वहाँ जाना है मैडम? कहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगा। अरे मैडम भैया भी बोल रहे हो, अभी नहीं कर रहा हूँ भैया, प्लान बहुत जॉब चल रहा है। मैडम रात बहुत हो गई है, चलिए छोड़ देते हैं, सही सलामत छोड़ देंगे बिल्कुल आपको। मैडम आ जाइए, छोड़ देंगे। मैंने आपके ऑटो की डिटेल्स अपनी फैमिली को भेज दी, समझे आप? कोई दिक्कत नहीं मैडम जी। बहुत शरीफ आदमी है, मैडम ऐसा आप इतनी रात कहाँ कहाँ से रहेंगे? क्या बात है, आपने घर वालों को मैसेज कर ही दिया है, सब कुछ हो ही चुका है, गरीब आदमी है, हम घर छोड़ देंगे आप। चलिए मैडम कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो, गाड़ी क्यों रोक रहे हो आप? रुक जाओ, मैं अभी आपको कॉल करके पुलिस में कंप्लेंट कर रही हूँ। अरे आप 5 मिनट बैठो मैडम, आराम से बैठो, 5 मिनट लगेगा मुझे बस। चलो निकलो यहाँ से, तमाशे चल रहे हैं, घुमाओ भी डंडा। अरे आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, भैया बोला है तो पार्टी पूरा निभाऊंगा। अरे कोई बात नहीं मैडम जी। जी भैया सब ठीक है, बस मैं आपके लिए कुछ लेके आई। मैडम जी मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मेरी माँ ही हमेशा मुझे राखी बांध दिया करती थी ताकि मेरी कलाई सोनी ना रहे। कोई बात नहीं भैया, हर साल मैं आपको राखी बांधती, खाली हाथ तो राखी बांधते नहीं है। बट मैडम जी आपको देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। भैया मैडम जी, क्या होता है, मेरा नाम मीनाक्षी है, अब से मैं आपकी छोटी बहन मीनाक्षी। ठीक है मैडम जी। ओ मीनाक्षी, इस राखी के बदले क्या शगुन देते हैं ये तो मुझे नहीं पता, तुम रुको मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। नहीं भैया मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपने मुझे एक हफ्ते पहले बहुत बड़ा तोहफा अपनी जिंदगी का दे चुके हो, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे इसी का और क्या चाहिए।